बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज के टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है OSI मॉडल। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये OSI मॉडल की हमें नीड क्यों हुई, जरूरत क्यों पेश आई। दोस्तों, हमारा इंटरनेट एक ओपन सिस्टम है जिसमें अलग अलग नेटवर्क्स, अलग अलग मशीन्स और मशीन्स में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बस नेटवर्क है और इसके अंदर जो मशीन्स हैं वो इंटेल की मशीन्स हैं और इन मशीन्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि ये नेटवर्क स्टार नेटवर्क है और इनके अंदर जो मशीन्स हैं वो एचपी की मशीन्स हैं और इन मशीन्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो डियर फ्रेंड्स, अब इनमें से कोई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करना चाहता है इंटरनेट के जरिए, और यहाँ तो नेटवर्क भी अलग है, वेंडर्स भी अलग और ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग, तो दो मशीन आपस में कम्युनिकेट कैसे करें, डाटा को सेंड और रिसीव कैसे करें। तो ऐसे में यकीनन कोई एक ऐसा रूल होना चाहिए जो दोनों के लिए एक जैसे हो, ताकि इंटरनेट पर मौजूद तमाम मशीन उसे फॉलो करें तब एक दूसरे को डाटा सेंड और रिसीव करते वक्त। तो ऐसे में बनाया गया 1984 में OSI मॉडल। OSI की फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये 1976 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था एज अ रेफरेंस मॉडल, लेकिन 1984 में इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया था। इसको बनाया था ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने। दोस्तों, ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो कि ये कहता है कि आपकी मशीन किसी भी हो, किसी भी नेटवर्क पर हो, किसी भी वेंडर की हो, और इसके अलावा आप दुनिया में कहीं भी अपनी मशीन को ले जाएं, अगर आप इंटरनेट पर स्मूथली किसी और मशीन से बात करना चाहते हैं तो ये मॉडल आपको वो तमाम फंक्शनैलिटीज फराहम करेगा जिसके जरिए दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। OSI मॉडल में जो हमें फंक्शनैलिटीज फराहम करता है उसे लेयर्स में डिवाइड किया जाता है। दोस्तों, इसमें 7 लेयर्स होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब जब भी आप इंटरनेट से कुछ रिक्वेस्ट करेंगे और इंटरनेट उसका रिस्पांस आपको देगा, या आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कोई डेटा सेंड करेंगे तो उसको इन तमाम लेयर पर से गुजरना होगा, तभी आपका डेटा आपके कंप्यूटर से बाहर जाएगा। और सेम ऐसे ही जब वो रिसीवर के कंप्यूटर पर पहुंचेगा तो उसे इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करना होगा। दोस्तों, OSI मॉडल में इन लेयर्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जो पहली तीन लेयर्स हैं वो कहलाती हैं अपर लेयर, और बाकी तीन नीचे वाली लेयर्स कहलाती हैं लोअर लेयर। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर को OSI मॉडल का हार्ट भी कहा जाता है। अपर लेयर इस बात पर फोकस करती है कि डेटा या फिर फाइल्स एक जगह से दूसरी जगह जाने से पहले किस तरह रिप्रेजेंट होंगी, उनका फॉर्मेट क्या होगा, किस एप्लीकेशन को यूज करेंगी। जबकि लोअर लेयर इस बात पर फोकस करती है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाएगा कैसे। दोस्तों, यहाँ हर लेयर की एक अलग फंक्शनैलिटी है। कोई लेयर डाटा को ट्रांसलेट कर रही है तो कोई इनक्रिप्ट, और कोई डाटा को डिटेक्ट कर रही है, और हर लेयर के अपने अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। एक और अहम बात, बाज लोग कहते हैं कि एप्लीकेशन लेयर पहली लेयर है, जबकि बाज लोग कहते हैं कि फिजिकल लेयर पहली लेयर है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप सेंडर हैं यानी आप डाटा को सेंड कर रहे हैं, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए जो पहली लेयर होगी वो होगी एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर, और सबसे आखिरी लेयर होगी फिजिकल लेयर। और फिजिकल लेयर से आपका डाटा किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया जैसे कि वायर या फिर वायरलेस मीडियम के थ्रू रिसीवर के कंप्यूटर तक पहुंचेगा। और रिसीवर के लिए जो पहली लेयर होगी वो होगी फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, और सबसे आखिर में रिसीवर के लिए जो लेयर होगी वो होगी एप्लीकेशन लेयर। तो दोस्तों, आइए इन लेयर्स को बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है एप्लीकेशन लेयर। दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर में जो पहला वर्ड है वो है एप्लीकेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेयर कोई भी एप्लीकेशन प्रोवाइड करेगी जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स वगैरह, बल्कि ये वो प्रोटोकॉल्स फराहम करेगी जिनके बिना पर ये तमाम एप्लीकेशंस काम करेंगी। तो जितनी भी एप्लीकेशंस आप इस्तेमाल करते हैं, गूगल क्रोम यूज करते हैं, ईमेल करते हैं जीमेल के थ्रू, स्काइप यूज कर रहे होते हैं, तो ये तमाम एप्लीकेशंस यूज करती हैं प्रोटोकॉल्स
जो कि एप्लीकेशन लेयर पर मौजूद होते हैं और एप्लीकेशन लेयर दरअसल इन प्रोटोकॉल से ही बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आप जीमेल के जरिए कोई फाइल एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन लेयर पर रिक्वेस्ट जाएगी। एप्लीकेशन लेयर पर बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनमें से एक प्रोटोकॉल है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो एप्लीकेशन लेयर आपकी रिक्वेस्ट को उस फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर डाल देगी। इन सिंपल वे एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर नेटवर्क एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल फॉर यूजर एक्टिविटीज, यानी ऐसी एप्लीकेशंस जो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं ताकि कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, वेब ब्राउजिंग कर सके, वीडियो कॉल कर सके, कोई फाइल डाउनलोड या फिर अपलोड कर सके। तो एप्लीकेशन लेयर उस यूजर यानी एप्लीकेशन को तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन प्रोटोकॉल्स के जरिए जो एप्लीकेशन लेयर पर मौजूद होते हैं। दोस्तों, ये थी एप्लीकेशन लेयर की फंक्शनैलिटी। अगली लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो सबसे पहली फंक्शनैलिटी प्रदान करती है वो है डेटा ट्रांसलेशन। डेटा ट्रांसलेशन मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, मैं उर्दू में वीडियो लेक्चर्स बना रही हूँ लेकिन आप लोगों को उर्दू नहीं आती, तो मेरा ये लेक्चर फिर आपके लिए यूजफुल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर से आने वाले डेटा को ट्रांसलेट करती है, तब्दील करती है ऐसे फॉर्मेट में जिसके जरिए वो डेटा एक नेटवर्क में मौजूद तमाम मशीन्स अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। यानी अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को कोई डेटा भेजना चाहता है तो उसको उस फॉर्मेट में तब्दील करके देना होगा जो ये मशीन भी अंडरस्टैंड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, ये मशीन 1 है जिसमें ASCII कोड्स पर मुश्तमिल डेटा मौजूद है, जबकि ये मशीन 2 है जिसको आपको ये ASCII कोड पर मुश्तमिल डेटा सेंड करना है, लेकिन इस मशीन 2 के अंदर जो कोडिंग स्कीम है वो है EBCDIC, यानी ये इस टाइप के डेटा को अंडरस्टैंड करती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर का ये काम होता है कि ये डेटा को यानी ASCII डेटा को कन्वर्ट करेगी EBCDIC डेटा में। तो डियर फ्रेंड्स, इन सिंपल वे दिस लेयर इज ट्राई टू ट्रांसलेट एप्लीकेशन डेटा इनटू अ सर्टेन फॉर्मेट दैट एवरी डिफरेंट कंप्यूटर इन अ नेटवर्क कुड अंडरस्टैंड। अगली फंक्शनैलिटी जो प्रेजेंटेशन लेयर प्रदान करती है वो है डेटा इंक्रिप्शन। डियर फ्रेंड्स, डेटा इंक्रिप्शन के अंदर इंक्रिप्शन का वर्ड आपके लिए एक नया वर्ड है। इंक्रिप्शन ऐसा तरीकेकार है जिसके जरिए डेटा को महफूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बैंक का डाटा है और आप ये चाहते हैं कि आपका डाटा रिसीवर के अलावा कोई रीड ना कर सके, कोई समझ ना सके, क्योंकि इंटरनेट एक ओपन सिस्टम है। तो ऐसे में प्रेजेंटेशन लेयर उस डाटा को ऐसी शक्ल में तब्दील कर देती है कि अगर कोई डाटा हैक भी कर लेता है, निकाल भी लेता है, तो वो उसे समझ नहीं सकता, बल्कि सिर्फ रिसीवर ही उस डाटा को रीड कर सकता है, उस डाटा को समझ सकता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंक्रिप्शन, जिसके अंदर डेटा को ऐसी फॉर्म के अंदर तब्दील कर दिया जाता है कि डेटा रिसीवर के अलावा कोई और इंसान नहीं समझ सकता। सो प्रेजेंटेशन लेयर एनहांसिंग द सिक्योरिटी ऑफ डेटा थ्रू द इंक्रिप्शन प्रोसेस। अगली फंक्शनैलिटी जो प्रेजेंटेशन लेयर फराहम करती है वो है डेटा कंप्रेशन। दोस्तों, डेटा कंप्रेशन को एक मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो गाड़ियां हैं, एक पर बहुत सा सामान लगा हुआ है जबकि एक गाड़ी के ऊपर कुछ सामान मौजूद है, तो बताएं कौन सी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह तेजी के साथ जाएगी? जाहिर है जिसके ऊपर सामान की तादाद कम होगी। बिल्कुल ऐसे ही डेटा कंप्रेशन के अंदर अगर डेटा बहुत बड़े साइज का है तो उस डेटा को सेंड करने में वक्त भी ज्यादा लग सकता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर उस डेटा को कंप्रेस कर देती है, छोटा कर देती है। कैसे? अगर एक से ज्यादा बिट्स मौजूद हैं तो उन बिट्स को रिमूव करके, अगर स्पेसेस मौजूद हैं तो उन स्पेसेस को निकाल कर, इस तरीके से प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को कंप्रेस करती है ताकि डेटा तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो डियर फ्रेंड्स, डेटा प्रेजेंटेशन लेयर की जो पहली फंक्शनैलिटी है वो है डेटा ट्रांसलेशन, ताकि दूसरी मशीन उस डेटा को समझ सके। सेकंड फंक्शनैलिटी है डेटा इंक्रिप्शन, ताकि डेटा को सिक्योरिटी दी जा सके, और डेटा कंप्रेशन, ताकि तेजी के साथ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके। थर्ड लेयर है सेशन लेयर। डियर फ्रेंड्स, वक्त की कमी की वजह से सेशन लेयर का टॉपिक और बाकी तमाम लेयर्स जो कि OSI मॉडल की लेयर्स हैं उनको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वो आपसे लॉगिन और पासवर्ड मांगती है, तो वो क्यों
आपसे लॉगिन और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट करती है। इसके साथ साथ अक्सर आप कोई वेबसाइट देख रहे होते हैं तो उसका सेशन आपका एक्सपायर हो जाता है। ये तमाम चीजें और बाकी और भी नई नई मालूमात हम अगले लेक्चर में आपको फराहम करेंगे।